नमस्कार दोस्तों, राम कृष्ण दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा 10 दिन से लेकर 5 महीने तक की ब्याही गाय भैंस के दूध को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा दोस्तों देखने को मिलता है कि हमारे जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उनके जो गाय भैंस है बच्चा कर देते हैं, 10 दिन हो जाता है, उससे ज्यादा दिन हो जाता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना हो जाता है, लेकिन वो दूध नहीं बढ़ाती। ऐसा भी देखने को मिलता है कि उन्हें उचित फीड यानी उचित मात्रा में दाना क्या देना है, किस तरह देना है, ये सब न देने के कारण की वजह से हमारी जो गाय भैंस होती है दूध बढ़ाने के बाद भी कम कर देती है। एक महीने तक दूध दिया, दूसरे महीने तक दूध दिया, उसके बाद तीसरा महीना लगता है तो दूध कम हो जाता है, दूध बिल्कुल घट जाता है। 10 लीटर दूध देने वाली पशु आपकी 5 लीटर पर आ जाती है, 4 लीटर पर आ जाती है। तो दोस्तों आज हम आप लोग लिए कुछ ऐसा जो है यूनिक फार्मूला लेकर आया हूँ, बिल्कुल देसी तरीका है, इसमें कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग दोस्तों इससे ज्यादा भी खर्चा कर देते हैं, इससे ज्यादा उन्हें फीड खिला देते हैं, फिर भी आपको पशु दूध नहीं बढ़ाती। तो आज दोस्तों जो हम फीड आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ही बहुत ही जबरदस्त तरीका है, इससे आपके गाय भैंस के दूध बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे और आप खिलाने के बाद एहसास करेंगे कि बहुत ही बढ़िया फीड आपको मिला है। तो इसमें क्या क्या देना है, किस तरह देना है, सारी चीजें दोस्तों मैं वीडियो बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करते चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों आपकी 10 दिन की ब्याही है, 10 दिन के बाद ही ये फीड को देना है, उससे पहले नहीं देना है। जो फीड दोस्तों बताने जा रहा हूं ये बच्चा किए हुए ताजी ब्याही या और ज्यादा दिन हो गया है दे सकते हैं, लेकिन गाभिन पशुओं को मत देना। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है, जैसे आपकी पहले दिन से या 10 दिन की ब्याही होती है, 10 दिन के बाद जब ये फीड को देना है तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपकी गाय भैंस है वो 10 दिन की ब्याही है, उसका जेर मैला सही से छटा हुआ है या नहीं हुआ है, एक खास ध्यान रखना है। अगर मैला छटाव सही से नहीं हुआ है, शुरुआत में बीमार हो गई है, मैला जो है यानी जेर जो है सही तरीके से नहीं गिरा है, तो इसको 10 दिन पर मत देना। फिर ये फीड ये तरीका जो है आप उसको 20 दिन बाद खिलाएं, उसका जो मैला छटाव का है वो पूरा प्रक्रिया कर लेना है, तभी आपको ये फीड का उपयोग करना है। इस फीड में दोस्तों हमें क्या क्या लेना है और किस तरह से खिलाना है, किस तरह से इसको मिलाना है, सारी चीजें दोस्तों वीडियो में बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले दोस्तों लेना है 40 केजी गेहूं लेना है। ये टोटल दोस्तों 100 केजी का हम मिश्रण बनाएंगे एक पशु के लिए। इसके हिसाब से आपके जितने पशु हैं आप उसके हिसाब से मिश्रण बना सकते हैं, दलिया बनाकर अपने पशु को दे सकते हैं। किस तरह देना है ये भी हम आपको बताएंगे। 40 केजी आपको लेना है गेहूं लेना है उसका दलिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें मिश्रण इकट्ठा करना है, तो 40 केजी गेहूं ले लेना है और चने का छिलका जो आता है 30 केजी लेना है, मूंगफली की खल 10 केजी लेना है और चना आखा यानी पूरा चना जो आता है, साबुत चना यानी पूरा अखा चना होता है, वो लेना है 10 केजी। उसके बाद दोस्तों तिल की खल, सफेद तिल आती है, काली तिल आती है, तो कोई भी तिल आप ले सकते हैं, उसका भी जो खल है 10 केजी, सबको मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चने का छिलका है तो छिलका रहता है, उसे हमें दलिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है दोस्तों जो गेहूं है, जो आखा चना है, इन दो का जो है हमें दलिया बनवा लेना है। दलिया बनवाने के बाद दोस्तों जो खल है उसको बारीक कर लीजिए और जो आपका चने की छिलका है, जो तिल की खल है और जो मूंगफली की खल है, इन सबको जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करके जो आप दलिया बनवाए उसमें मिक्स कर दीजिए। आपकी पशु की कैपेसिटी कितनी है दूध देने की, उसके हिसाब से इस फीड को देना है। जैसे दोस्तों आपकी फीड देने का तरीका यही है कि जैसे आपकी गाय भैंस 8 लीटर दूध दे रही है तो कम से कम हमें उसे 3.5 या 4 केजी फीड देना होगा। फीड देने की तरीका दोस्तों यही है कि जैसे आप मान लीजिए 4 केजी फीड देना चाहते हैं तो एक ही बार में 4 केजी निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों इसमें लगभग 5 केजी आपको पानी डालना है, पानी डाल करके इसको जो है आग पे उबाल लेना है। आग पर दोस्तों उबालने के बाद जब उबाल आने लगे तो जैसे आपकी गाय भैंस छोटी है बड़ी है उसके हिसाब से गुड़ की मात्रा जरूर मिलाएं। अगर बड़ी गाय है आपकी, बड़ी भैंस है, तो 400 ग्राम 300 ग्राम तक गुड़ मिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 चम्मच नमक भी डालना न भूलें। उसके बाद इसमें 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सरसों का तेल डाल दें। उसके बाद जब ये पक जाता है तो इसे उतार लीजिए और उतारने के बाद चारे के साथ अपने पशु को मिक्स करके खिला सकते हैं।
इससे हुआ क्या दोस्तों, उसके अंदर जो भी पौष्टिक आहार पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, जिनके कारण दूध नहीं देती, दूध कम कर देती है, वो सारी चीजें ये खिलाने से पूर्ति हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। फिर दोस्तों जो आपकी गाय है भैंस है बिल्कुल दूध पर आ जाएगी, बहुत तेजी से दूध उसका इंक्रीज होगा, बहुत तेजी से दूध बढ़ेगा। तो ये दोस्तों फीड बहुत ही बढ़िया है, बहुत जबरदस्त फीड है। इस फीड को दोस्तों एक बार जरूर आजमाएं और अपने गाय भैंस के दूध को बढ़ाएं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने।